आते हैं कि क्या बातचीत हुई सर? देखिए कोई फैसले की घड़ी नहीं है, फैसला उनका हो चुकी है और वो है कि हमारी पार्टी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर है एकदम चट्टान की तरह नीतीश कुमार जी के साथ है। सर आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ सरजीत सिंह। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर दावते इफ्तार का आयोजन किया गया था, जहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुँचे थे। और वहीं बात करें तो जीतन राम मांझी से पूछा गया कि आपने सुबह कहा था कि अब फैसले की घड़ी आ गई है, हम लोगों को फैसला लेना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग का फैसला हो गया है, हम लोग बीजेपी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काम करें और बिहार को तरक्की की ओर ले जा रहे हैं। क्या कुछ करें जितना राम मांझी पहले सुनने की बातों को सुबह कहा कि हालात बदल रहे हैं, कुछ फैसले की घड़ी आई है और शाम में मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाती है और अच्छी बातचीत होती है, तो इसलिए सब जानना चाहते हैं कि क्या बातचीत हुई सर? देखिए कोई फैसले की घड़ी नहीं है, फैसला और उनका हो चुकी है और वो है कि हमारी पार्टी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर है एकदम चट्टान की तरह नीतीश कुमार जी के साथ है और महागठबंधन के साथ है। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार यदि महागठबंधन छोड़ते हैं तो जीतन मांझी भी उनके साथ चला जाएगा। कहने का मतलब हम नीतीश कुमार के साथ हैं, ये फैसला तो बहुत पहले से है, कोई नई बात नहीं है। और आज हम लोग दोनों मिलकर के बिहार में अमन और चैन की दुआ मांगे हैं और आगे की रणनीति पर भी बातें हुई है कि मिलजुल करके बात करनी है। सभी पार्टियों को जो 7 पार्टी हम लोग हैं निकट भविष्य में बुलाया जा रहा है और बुला करके हम लोग बातचीत करेंगे कि आगे 14-24 की राजनीति क्या होगी और 25 की राजनीति क्या होगी। मीटिंग होने वाली है, यही एक राजनीतिक बात यही हुई। सर एक चीज और है सर, कि निमंत्रण तो आपने सबको दिया होगा, बीजेपी को भी निमंत्रण मिल दिया था क्या? नहीं, बीजेपी को निमंत्रण नहीं दिया, इसलिए हम जानते थे कि बीजेपी के लोग नहीं आएंगे क्योंकि सुशील मोदी जी प्रायः दिया करते थे इफ्तार पार्टी, इस बार नहीं दिए। तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों का सामूहिक निर्णय है, उस निर्णय में हम हस्तक्षेप क्यों करेंगे, इसलिए बीजेपी के साथियों को हमने नहीं निमंत्रण दिया। अच्छा, तेजस्वी जी और कांग्रेस की तरफ से भी लोग नहीं आ पाए? हाँ नहीं, तेजस्वी जी दिल्ली में हैं, अभी 7 बजे इस तरह से वहाँ से आ रहे होंगे, हो सकता है कि आ जाएं। ऐसे कहे थे कि हम दिल्ली में हैं, लेट हम पहुँचेंगे, तो लेट पहुँचेंगे तो आ सकते हैं भी या न भी आ सकते हैं। रही बात कांग्रेस का, तो कांग्रेस के अभी अखिलेश जी से बात हुई वो भी बाहर हैं, फिर शकील साहब से बात हुई वो भी बाहर हैं। तो जो बाहर हैं, क्योंकि हमारा निर्णय 2 दिन पहले हुआ है, तो हो सकता है कि आज के दिन में पहले का प्रोग्राम लोगों का बना हुआ होगा, तो अपने अपने जगहों में चले गए और जो यहाँ हैं वो आए। सर ये माना जाए कि मतलब जो फैसला दोपहर में जो आपकी बात आई उसके बाद चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म हो गया, तो अब माना जाए कि सब चीज़ ठीक ठाक है? एकदम ठीक ठाक है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, एकदम ठीक ठाक है। दोपहर में क्या चर्चा हुई? नहीं, आपने तो ये भी कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो नीतीश कुमार के खिलाफ भी आंदोलन होगा जनहित से जुड़े मुद्दे पर। अच्छा, इसमें कौन दो मत है? जब सचिन पायलट वहाँ पर गहलोत के अगेंस्ट में आंदोलन कर रहे हैं, यदि हम लोग जिस बात को उठाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उस पर ध्यान पदाधिकारियों का नहीं जाता और नहीं दिलाता मुख्यमंत्री को, तो हमारी वार्ता होगी। हम अपने सभी विधायकों के साथ उनसे वार्ता करेंगे कि देखिए इन मुद्दों पर बात करना ज़रूरी है, अगर ये बात हो तो बड़ी अच्छी बात है, अगर वो बात नहीं मानेंगे तो हम लोग आंदोलन का रूप लेंगे। अच्छा, 6 सीटों पर सुना जा रहा है कि सर तैयारी आप लोग कर रहे हैं 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की? नहीं, कौन कहता है, हम लोग चुनाव तो करीब करीब सभी कॉन्फ्रेंसी में कर रहे हैं। देखिए 23 तारीख से हमारा स्टेट का हो रहा है, जिस प्रकार से नगर में हम लोग भ्रमण कार्य किया था वैसे हो रहा है, और दूसरा चरण का इसी तरह से 3-4 चरणों में समूचे बिहार का हम लोग दौरा करेंगे और हर जगह मेरी तैयारी चलेगी, अपना कार्यकर्ता को कहीं समर्थन लेंगे कहीं समर्थन देंगे। नहीं तो कितने सीटों पर सर लोकसभा चुनाव को लेकर के? वो अभी बात कहा ना कि मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई कि 7 पार्टी मिल करके कुछ दिनों में हम लोग तय करेंगे कि क्या करना है। ठीक, थैंक यू। तो आपने सुना बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का साफ तौर पर कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई फैसले की चर्चा नहीं, हम लोग का फैसला है और हिंदुस्तानी और मोर्चा सर्कुलर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अच्छे काम कर रहे हैं। और वहीं बात करें तो उनसे पूछा गया कि क्या आपने बीजेपी वाले को भी दावते इफ्तार में बुलाया था, तो उनका कहना है कि ऐसा नहीं, हम लोग उन लोगों को नहीं बुलाया क्योंकि हम लोग जानते थे कि वो लोग आएंगे ही नहीं। तमाम खबरों के लिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ नमस्कार।